फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट कुकिंग। आज मैं बना रही हूँ अनियन रिंग्स। अनियन रिंग्स बनाने के लिए मैंने दो बड़े प्याज लिए थे और उनको इस तरह से गोल गोल काट लिया है। और 2 टेबलस्पून बेसन है, 1 टेबलस्पून मैदा है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, और ये थोड़ा सा मैंने साबुत जीरा भी लिया है, और बिल्कुल 1 पिंच जो है वो बेकिंग पाउडर है या मीठा सोडा भी। पानी लेंगे हस्बे ज़रूरत और ऑयल लेंगे फ्राई करने के लिए। एक बॉल लेंगे, उसमें मैं अपने सबसे पहले बेसन डालूंगी, उसके बाद मैदा ऐड करूंगी और फिर सारे जो है अपने स्पाइसेस डालूंगी, मीठा सोडा, सॉल्ट, चिली पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा कुटा हुआ भुना जीरा और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें और इसको मिक्स करते जाएंगे, बैटर बनाएंगे इसको। थोड़ा सा पानी और डालेंगे और मैं इसको क्रीमी सा बैटर बनाऊंगी, ना बहुत ज़्यादा इसको पतला रखेंगे ना बहुत ज़्यादा जो है वो गाढ़ा करेंगे। बैटर जो है वो मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और जो हमारा अनियन रिंग्स का बैटर है वो रेडी हो चुका है। पैन मैंने ले लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाल के थोड़ी देर के लिए गर्म करेंगे। जैसे मीडियम फ्लेम पे ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो फिर मैं इसमें जो है वो अनियन डालती जाऊँगी। अब मैं एक एक अनियन लूँगी, उसको बैटर में अच्छी तरह से कोट करके ऑयल में डालते जाऊँगी। थोड़े थोड़े फासले पर डालेंगे, एक दूसरे के साथ ना चिपकें। इसी तरह से सारे अनियंस जो हैं वो मैं इसमें डाल दूंगी एक एक करके और फिर इनको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। एक साइड से ये जो गोल्डन ब्राउन हो चुके थे तो मैंने इनको टर्न कर दिया है, अब मैं दूसरी तरफ से इनको गोल्डन ब्राउन करूंगी और फिर हम इनको निकाल लेंगे। दोनों साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, ये फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इनको जो है वो निकाल लूंगी। अनियन रिंग्स मेरे फ्राई हो चुके थे, मैंने इनको डिश आउट कर लिया है। ये है मेरी रेसिपी आज की, अनियन रिंग्स, बहुत इजी और बहुत ही क्विक। आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।